हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इरफोटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में और हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में आप इस साइट से ज़्यादा जान सकते हैं जिसमें बिटकॉइन माइनिंग के बारे में पूरा अबाउट सेक्शन दिया हो गया है कि आप कैसे माइनिंग कर सकते हैं और क्या क्या हार्डवेयर इसमें यूज़ होता है। बेसिकली हम इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिससे मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है और एक्सचेंज में हमें बिटकॉइंस मिलती है। तो बहुत ही सिक्योर तरीका है पैसे बनाने का, बट इसमें आपका तीन चीज़ यूज़ होता है जो कि है हार्डवेयर, एनर्जी एंड टाइम। तो ये आपका GPU या CPU यूज़ करेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम होगी और टाइम तो वेस्ट हो गई क्योंकि ये जब तक वो माइनिंग होगी आप CPU को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि GPU यूसेज या CPU यूसेज 100% हो जाती है। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है नाइस हैश। तो nicehash.com की साइट पे आप जाएंगे तो आपको अगर माइनिंग करनी है तो सेल एरिया में जाके लर्न मोर बटन में प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस है, तो ये वाला क्लिक करें अगर आप CPU या GPU से माइनिंग करना चाहते हैं। तो ये आपको प्रोग्राम दिया जाएगा तो इसे आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, NVIDIA और AMD। तो मेरे पास NVIDIA का GPU है इसलिए मैं NVIDIA वाला डाउनलोड किया हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं ईजिली इंस्टॉल जैसे हर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। तो इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लें। जब ये ऐप ओपन होगा तो आपको वॉलेट एड्रेस मांगेगा, तो आप इस लिंक से जाके NiceHash की साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड रजिस्टर करके जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको वॉलेट एड्रेस दिया जाएगा। तो उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लें। और इस सेक्शन में वॉलेट सेक्शन में पेस्ट करके सेव कर लें। और यहाँ पे हम थोड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर टैब में जाएंगे तो लैंग्वेज इंग्लिश रहने दीजिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो INR करेंसी, और यहाँ पे लोकेशन सेट कर लें। तो ये दो ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपका PC आइडल होगा तो माइनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और ये लॉग फाइल का है और एडवांस टैब ये रहने दीजिए। और अबाउट सेक्शन में आप अपडेट हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो हार्डवेयर डिटेल्स ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दो हार्डवेयर्स है, CPU और एक GPU। तो मेरा GPU थोड़ा हाई एंड है इसलिए मैं सिर्फ GPU यूज़ करता हूँ, CPU नहीं। तो ये जब हो जाए तो स्टार्ट बटन सेंटर में जो दिया गया है उसे प्रेस करें तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चालू हो जाएगी और बैकग्राउंड में आपको प्रोसेसेस दिखेंगे। तो ये आपका एस्टिमेटेड डेली अर्निंग भी दिखाएगा और करेंट अर्निंग जो भी हुई है BTC में, बिटकॉइन में, वो आपको दिखेगा। तो ये एक से दो मिनट के इंटरवल में ये करेंट BTC अपडेट होता रहता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा देखने के लिए चेंजेस। अगर आपका GPU MSI का है तो आप MSI आफ्टर बर्नर यूज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर 80 में सेट कर सकते हैं, 80 में लॉक कर सकते हैं। इससे टेम्परेचर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी और GPU ज़्यादा हीट नहीं होगा। और अगर आपका EVGA का GPU है तो EVGA प्रिसीजन XOC आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और फैन स्पीड भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो में छोड़ दें, वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.16 से 1.21 हो गया है। तो ये एक से दो मिनट लगता है करंट BTC अपडेट होने में। तो इसी तरह आप माइनिंग करते रहेंगे तो आपका INR जो भी करेंसी BTC में है वो अपडेट होते रहेगा। तो आप ये पे आउट आप देख सकते हैं NiceHash की वेबसाइट में, आप पे आउट डेट अपनी चेक कर सकते हैं जो कि बिटकॉइन वॉलेट में आपकी पेमेंट आएगी। तो ये बिटकॉइन मनी जो है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, जैसे स्टीम जो है वहाँ से आप गेम्स परचेज कर सकते हैं और उसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको माइनिंग स्टॉप करनी है तो ये बटन प्रेस करें तो वन टैप स्टार्ट एंड स्टॉप दिया गया है इस बटन में। इस तरह से आप मनी जनरेट कर सकते हैं अपनी GPU पावर से
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.